एक और नया दिन, एक और नई कहानी। आज दिनांक 25/5/2023, जो आज का दिन शुरू हो रहा है, कमरे से हो रहा है, क्योंकि कोई जॉब नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं है। बाकी टाइम हो चुका है आपका 12:30 हो चुके हैं, और सुबह से उठ के अपना काम वाम धाम किया, पढ़ाई लिखाई करी, और उसके बाद अब हो चुका है लंच टाइम। तो लंच में बना रहा हूँ मैं वही अपना पुलाव, और क्या कर सकते हैं, आज पुलाव ही खाते हैं। पुलाव, दही, रायता, प्याज वाला रायता। बाकी अभी मैं बनाता हूँ जाके खाना। यही है भाई जिंदगी है। इस टाइम ठस ठस हो रखी है, कुछ पता नहीं चल रहा, नौकरी करने का मन नहीं कर रहा। बाकी हो, इंटरव्यू तो क्लियर हो गया, पर देखते हैं। अभी 3-4 मैसेज और कंपनी में किए हैं, अच्छी अच्छी कंपनियों में, देखते हैं क्या होता है। बोला जी नहाने गए, बोला जी रात भर जगते हैं, दिन भर सोते हैं, तो माहौल ऐसा है। बाकी अभी प्याज व्याज टमाटर तो है नहीं, प्याज व्याज काटता हूँ बढ़िया करके, कुकिंग करते हैं, कुकिंग की वीडियो डालते हैं, और क्या करना है माहौल, ठीक है। पलाव, दिस इज गरम मसाला, खड़े मसाला, दिस इज गार्लिक, नो जिंजर, दिस इज ऑनियन, दिस इज सोयाबीन, दिस इज राइस, एंड आई वॉश माई राइस एंड देन आई कुक पलाव। ओ माई गॉड, ऐसी सिस्टम है, बस बनाते हैं। अभी इसे धोता हूँ, फिर उसके बाद कुकर चढ़ा दिया है, कुकर में छौका छाका मारेंगे। सबसे पहले अदरक डालेंगे, ऑनियन डालेंगे, फिर उसके बाद ना सबसे पहले गरम मसाला डालेंगे। सही है, इसमें तेज पत्ता है, सूखी अदरक है, और थोड़े काली मिर्च है, और दालचीनी है, ठीक है ना। तो ये करते हैं, बनाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, और दही भी डालना है। पुलाव बनाओ तो दही भी डालना उसके साथ, जब मसाला पकाओ ना तो हर कुछ स्वाद हो जाता है। चलो ठीक है भाई लोगों, आज के जो लंच में है खाना, सबसे पहले खीरा है, खीरे के बाद पुलाव बनाया है, हल्का सा जल गया किसी की गलती के कारण, और ये रायता है प्याज वाला। बाकी अभी टेस्टिंग नहीं किया है कैसा हो रहा है। फर्स्टली हम मिलाएंगे, रुको, टेस्टिंग और तो कुछ है नहीं, तो यही पकैती कर लो। फर्स्टली ये डालेंगे रायता इसमें, ठीक है, एक प्याज और एक बड़ी सोयाबीन, हमारे लैंग्वेज में बड़ी कहते हैं, और ये डालेंगे गप्पा। नज़ारे आ गए, तो दही ज़्यादा हो गई पुलाव में, पर बढ़िया हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। ओल्ड डे मोबाइल वॉचिंग दिलीप बोरा, रात भर सो मत, रात भर मोबाइल चलाओ और दिन भर सो, फिर उठो मोबाइल चलाओ, बढ़िया है। बोरा जी क्या बोलना चाहोगे इसमें, क्या चर्चा है आपकी? गर्मी लगी है, पंखा बंद करे, क्या चर्चा है, कुछ काम नहीं है, तब एक घंटे से पिज्जा के लिए वो देखो मेरे नौटंकी किए। एक घंटा तो नहीं करा तुझे, तुझसे पिज्जा तुझसे क्या बोला मैंने, कहा 100 रुपए डाल दे, और तो फट लेती है यार। चेक मैंने साइन करके दे दिया, ले जा। देख, चेक कभी देखा भी जिंदगी में, चेक लाइफ में वो वही पूरे भरे भरे है, बड़े बड़े हैं, अकाउंट भरे भरे है भाई, अकाउंट भरा पड़ा है भाई, पैसा रखने की जगह नहीं है। अच्छा जी, बैंक वाले बोल रहे हैं आपके पैसे रखने के लिए हमारे पास जगह की कमी पड़ गई है। तभी तुम ये इससे पंखा कर रहे हो, ये तुम्हारी हालत ऐसी है कि तुम कार्डबोर्ड से हवा कर रहे हो और बातें बड़ी बड़ी कर रहे हो। जमीन से जुड़े हुए लोग, जमीन में लेटे हुए जुड़े हुए लोग हैं, जमीन पे लेटे बकचोदी करवाओ तुमसे बस, ठीक है ना। जमीन से जुड़े रहना चाहिए ना, जमीन से जुड़े रहना, इतना भी मत जुड़ो कि हालत ही खराब हो जाए तुम्हारी।
जिसपे बैंक में कमी हो जाती है ना, बैंक में बैंक भाई वालों पे, वो कभी जिंदगी में लोग नहीं रह सकता है ऐसा जिसपे इतना पैसा हो। समझ गया कहने की बात है कि हम जमीन से जुड़े हुए लोग हैं और चूतिया का मनाया करो। क्या अब क्या बोले तो बोले, भाई, पिज्जा तो जाके खिलवा बाद दो फिर, में चलो इतना पैसा तो चलो एक पिज्जा ही ऑर्डर कर दो। भाई एक भी तो मैं बोल रहा हूँ ना तेरे को, मैं तेरे को चेक दे रहा हूँ, तू चेक कभी जा देखा भी आपने? ये बताओ, चेक दे रहा चेक हूँ रहने दो ना, गूगल पे तो चलाते हो, वो ही कर दो मुझे, 200 रुपये ज्यादा भी नहीं भाई। करने हम हैं गूगल पे कुछ नहीं मुझे चलाना तो। है, हम अच्छा ट्रेडिशनल लोग हैं, ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल, लोग हम हैं। ट्रेडिशनल फिर ट्रेडिशनल ये क्या पहना है? पहनो धोती कुर्ता, ये क्या है? ये क्या अबे है? हट जा तू, ट्रेडिशनल लोग है तो ये क्या है? व्हाट इज दिस? एडिडास लोअर पहनी हुई है, ये पहना हुआ क्या है? मैक्सिको भाई हट जा, हट क्या जा, पंखा ऑन कर दे, गर्मी लग रही है। कर दे तेरे पे भी आते हैं। ये दांतों में क्या लग रही है? काला काला सा सिस्टम क्या अबे है? ऑन कर दे पंखा। ये बड़ा जूतिया बंदा है यार, इन्हें हालत खराब है। इन्हें आज खाना जलवा दिया था, फोन से फुर्सत मिलती नहीं है इन्हें, अभी भी फोन ही चला रहे थे। इनका फोन अब मैंने कैप्चर कर लिया है तो अब इनको तड़पन हो रही है। धीरे धीरे वो उबाल आएगा, फिर ये मुझसे लड़ने लगेंगे फोन के लिए। ठीक है, तो ऐसा सिस्टम है, जिंदगी चल रही है इनकी बढ़िया ऐशो में, और हमारा इनमें सजा कर लगी है। देखो अभी लड़ने लगेंगे, अब इन्हें तड़पन होगी, जैसे शराबी वो शराब की तड़पन होती है, जो सिगरेट पीता है उससे सिगरेट की तड़पन होती है, वैसे इन्हें फोन की तड़पन है। फोन लुगाई की भी तड़पन नहीं है इन्हें, लुगाई। तो ऐसा सीन है, शाम के हो चुके हैं, 5:30 बज गए हैं, और देखते हैं आज क्या क्या होता है, सारे क्या क्या होता है। जो मतलब देख ही लिया, खाना पकाया, शेक किया, बाकी माहौल बढ़िया चल रहा है, जिंदगी बढ़िया चल रही है। अब समझ नहीं आ रही है क्या करना है क्या नहीं करना है। ओए शाबाश भाई, लोगों छत में घूम रहा था, ठीक है, शाम का वक्त हो गया है, समय हो चुका है आपका 6:40, और छत में टहल रहा था तो ब्यूटीफुल सी मोटी मोटी बूंदें गिर रही हैं और हवा चल रही है, मौसम हो रखा है प्यारा प्यारा, और कुछ और तो हो नहीं रहा, बस छत में टहलो, मौज लो, नहीं मिले तो बोल लो, ठीक है, और दो चार बूंदें गिरी और बारिश हो गई है बंद, तो क्या कर सकते हैं, कर तो कुछ नहीं सकते। बाकी सही है, मौसम ठीक हो जाएगा, गर्मी से तो राहत होगी, ऊपर बादल हो रहे हैं पूरे, ठीक है, पूरे बादल आ रहे हैं पूरे। बाकी भाई लोगों, मौसम ने रोमांच भर दिया है, आज बारिश होने लग पड़ी है, ठीक है, बारिश हो रही है फुल पावर बाहर, ज़्यादा तेज तो नहीं हो रही, पर मौसम हो गया था पूरा कैरा, जैसा आपको दिखाया था मैंने, शाम के टाइम पे बादल आ रहे थे, पर अब बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है, अब थोड़ा गर्मी से राहत मिलेगी दिल्ली दिल्ली वासियों को, ठीक है, जिन पे एसी नहीं है, जिन पे कूलर नहीं है, जो पंखे की हवा खा खा के परेशान है, उन्हें राहत मिलेगी, यही तो है रोमांच बारिश यार, ठीक है। और हमारे वहाँ तो उत्तराखंड में तो ऑरेंज अलर्ट जारी कर रखा है काफ़ी राज्यों में, काफ़ी डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि क्या दिक्कत आ जाएगी, कैसी दिक्कत, बहुत सारी दिक्कतें आ जाएंगी, जो फार्मर्स हैं, मेन बात आम का सीजन है, लीची का सीजन है, तो सारा सिस्टम हो जाएगा, झड़ जाएगा तूफान से बरसात में, तो वो भी दिक्कत है, तो इस कारण महंगा हो जाएगा आम लीची, ठीक है। ओ माय गॉड, बैटरी हो चुकी है ख़त्म, तो भाई लोगों मिलते हैं आपको, अब सीधे मैं बना रहा था डिनर, ठीक है, डिनर बना रहा था, अपने आप ही बंद हो गया है डिनर, सब्जी बनाई बोरा जी ने, मैंने चावल चढ़ा दिए थे, बाकी अभी फ़ोन लगाता हूँ चार्ज में,
बाकी और कुछ नहीं है माहौल, बाकी चेकआउट करवाते खाने में क्या बना रहे हैं। ओके, जब तक बने रहिए।